जय श्री श्याम बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका सीएमए फाउंडेशन का एग्जाम है ऑन 16 जुलाई, तो देखा जाए तो आपके पास बचे हैं 10 दिन। हर बच्चे के मन में एक कॉमन क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या हम 10 दिन में एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं, सीएमए फाउंडेशन निकाल सकते हैं। आंसर इज यस। अगर आप प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉलो करो तो आप 10 दिन में भी सीएमए फाउंडेशन प्रिपेयर कर सकते हो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 10 दिन की क्या स्ट्रैटेजी आपकी रहनी चाहिए, ताकि आप जो फाउंडेशन का जो पेपर है, लॉ का पेपर जो सबसे ज़्यादा परेशान करता है बच्चों को, क्योंकि बिल्कुल नया सब्जेक्ट है, वो आप कैसे प्रिपेयर करेंगे इन जस्ट 10 डेज। क्या करना है बच्चों, सबसे पहले आप देखो कि बेनिफिट क्या है आपके पास। सबसे बड़ा बेनिफिट है कि MCQ बेस्ड है, तो आपको कोई राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करनी है, विच सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम। एंड दूसरी चीज़, कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो वो भी आपका बहुत स्ट्रेस कम कर देती है। आप इजीली पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो विदाउट एनी फियर, ठीक है। तो अगर आप स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे ना, तो आप ना सिर्फ पासिंग मार्क्स ला पाओगे, बल्कि अच्छे मार्क्स से सीएमए फाउंडेशन का जो लॉ का पेपर है वो निकाल पाओगे। क्या करना है आपको, पहले टू डू लिस्ट बनानी है कि करना क्या क्या है। पहली चीज़, मॉड्यूल करना है विद बैक क्वेश्चंस, फिर बिट क्वेश्चन बैंक जो इंस्टीट्यूट रिलीज करता है वो आपको करने हैं, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मॉक टेस्ट पेपर आपको ज़रूर देने हैं, इंस्टीट्यूट कंडक्ट करता है ऑनलाइन, एंड मॉडल क्वेश्चन पेपर इंस्टीट्यूट ने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखे हैं आपको वेबसाइट पे, तो वो आपको सॉल्व कर रहे हैं। जो ये मॉक टेस्ट पेपर है, इसमें तो टाइम लिमिट ऑलरेडी लगी होती है। मॉडल क्वेश्चन पेपर को आपको क्या करना है, टाइम लिमिट लगा के सॉल्व करना है, क्लियर। उसके बाद डे बाय डे स्ट्रेटेजी आपकी क्या रहेगी, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन चैप्टर पिक करेंगे, विच कैरीज आपका 10 मार्क्स। तो अब क्या होगा, इंट्रोडक्शन चैप्टर आपका 3 से 4 घंटे लेगा। हम मान के चल रहे हैं कि आप दिन में 10 से 12 घंटे ऑब्वियसली पढ़ के चलेंगे, तो एक सब्जेक्ट को यानी कि लॉ को अगर आप 3 से 4 घंटे दे रहे हो, तो आपका जो ये इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है, एक दिन में प्रिपेयर हो जाएगा वेरी इजीली, 10 मार्क्स आपके रेडी हो गए। उसके बाद हम जाएंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे, विच कैरीज 30 मार्क्स। 30 मार्क्स का है ये, 7 to 8 आवर्स आपके लेगा, 2 दिन में आपका ये प्रिपेयर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट इज सेल ऑफ गुड्स एक्ट, जो आपका 6 से 7 घंटे लेगा अराउंड, एंड 2 दिन में ये भी आपका प्रिपेयर हो जाएगा। इसकी वेटेज है 20 मार्क्स। आप देख रहे हो 10 + 30 + 20, 60 मार्क्स का आपका प्रिपरेशन हो गया है इन जस्ट 5 डेज। तो आगे के डेज में आपको क्या करना है, 6th, 7th और 8th डे पे आपको करना है क्वेश्चन बैंक। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्वेश्चंस जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना इजीली आप पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे। और एक यहाँ पे टिप है मेरी तरफ से, कि जब भी आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो, तो जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं क्वेश्चन, उनको मार्क करते चलेंगे साथ के साथ, ताकि आप एग्जाम टाइम पे उन पे फोकस कर सकें। फिर आप 9th और 10th डे पे क्या करोगे, जो इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट पेपर है वो दोगे, और मॉडल क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करोगे, क्लियर। तो इस तरीके से आपकी 10 डेज की स्ट्रैटेजी रहेगी। उसके बाद हम करेंगे रिविजन्स। रिविजन के लिए हम आपके साथ हैं। 12 जुलाई को हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा रिवाइज करेंगे ऑन यूट्यूब। फ्री सेशन है आपके लिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की रिविजन प्लस क्वेश्चंस। सिमिलरली ऑन 13 जुलाई, सेल ऑफ गुड्स एक्ट की रिविजन प्लस क्वेश्चंस आपके साथ किए जाएंगे। 30 मार्क्स का आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आता है, 20 मार्क्स का सेल ऑफ गुड्स एक्ट आता है, तो आपके 50 मार्क्स की रिविजन हम करा के चलेंगे ऑन दीज 2 डेज, क्लियर बच्चों। आई होप आपको ये सेशन यूजफुल लगा होगा। आप इस स्ट्रैटेजी को ज़रूर फॉलो करेंगे और 10 डेज में अपने लॉ को इतना स्ट्रांग कर लेंगे कि सिर्फ क्लियर ना हो, अच्छे मार्क्स से आपका ये वाला पेपर क्लियर हो सके। थैंक यू सो मच बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। जय श्री श्याम।